अगर आप देखो तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिवील हमारे आर्म्स होते हैं, एंड वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेशली बाइसेप्स की, तो काफी सारे लड़कों को ये मसल ग्रुप ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब देखो जिम में जाके बाइसेप्स तो हर कोई ट्रेन करता है, लेकिन हर किसी की ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके बाइसेप्स की ग्रोथ स्पीड अप हो जाए। हाय गाइस, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा एंड मैं इस वीडियो में आपको वो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको 100% आपके बाइसेप्स ग्रोथ में हेल्प करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई एम श्योर आपको इससे कोई वैल्यू मिलेगी। बाइसेप्स हमारा जो डोला होता है ये एक्चुअली दो मसल में डिवाइडेड है, शॉर्ट हेड जो कि अंदर की तरफ होता है एंड लॉन्ग हेड जो कि बाहर की तरफ होता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो लॉन्ग हेड ज्यादा बड़ा मसल है, और जिसके बाइसेप्स का लॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग है उसकी पीक जो है बाइसेप्स पीक ज्यादा दिखती है। इसके अलावा एक मसल होता है जिसका नाम है ब्रैकियालिस, एंड ये मसल हमारे बाइसेप्स के नीचे होता है यूजली। इसको ट्रेन करके जब हम इसको स्ट्रॉन्गर करते हैं तो यही वो मसल है जिसकी वजह से एक ब्रॉड लुक आता है हमारे बाइसेप्स में, और वो इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारा बाइसेप्स और भी ज्यादा ब्रॉड लगता है और भी ज्यादा बड़ा लगता है। हमारे बाइसेप्स की बेसिक मूवमेंट होती है कर्ल करना। जितनी भी एक्सरसाइज होती है बाइसेप्स की उसमें हम यूजुअली कर्ल करते हैं, और इसका सही तरीका एल्बोस टक्ड इन, बॉडी स्ट्रेट एंड स्ट्रिक्ट फॉर्म। अब वर्कआउट में कर्ल करने का भी सही और गलत तरीका होता है, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम नेगेटिव रेप कर रहे होते हैं तो हमारा मसल ज्यादा हार्ड वर्क करता है और उस पर ज्यादा लोड पड़ता है। अगर मैं ग्रिप के बारे में बात करूँ तो बाइसेप्स की किसी भी एक्सरसाइज में आपकी ग्रिप न्यूट्रल रहेगी, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं रहेगी कि आप जब कर्ल कर रहे हो तो अंदर की तरफ रिस्ट आपकी हल्की सी पीछे की तरफ बेंड हो सकती है, बट न्यूट्रल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बेंड करके उसको कर्ल करोगे तो क्या होगा, फोरआर्म्स भी इंक्लूड करोगे। बट हमें बाइसेप्स को आइसोलेट करना है एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हम अपने बाइसेप्स को स्क्वीज कर सकते हैं। ट्रेनिंग करते वक्त हमें अच्छे से स्क्वीज पे ध्यान देना है, हम अपने मसल्स को फ्लेक्स करते रहें और उन्हें अच्छे से फील करें। अब अगर मैं शॉर्ट हेड की बात करूँ तो फ्रंट से हमारा शॉर्ट हेड दिखता है बाइसेप्स का, एंड हमारे शॉर्ट हेड बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए एक छोटा सा हैक बताता हूँ। जो हमारी पिंकी फिंगर होती है, जो भी कर्ल हम अपने शॉर्ट हेड के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम इमेजिन करेंगे कि हम अंदर की तरफ इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही डंबल ऊपर आया हम उसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, इससे हमारे बाइसेप्स के शॉर्ट हेड को हम और भी ज्यादा स्क्वीज कर पाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैक है, काफी लोगों को नहीं पता होता, बट जस्ट मेक श्योर कि आप इसको इंक्लूड करना। शॉर्ट हेड को ट्रेन करने के लिए आप लोग प्रीचर कर्ल्स यूज कर सकते हो। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, ज्यादा हैवी वेट नहीं लेना है, इतना वेट कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको आप अच्छे से फील कर पाओ और बाइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज दे पाओ। अब चाहे आप बारबेल से कर रहे हो, बारबेल जो होती है उसको दोनों हाथ से पकड़ा होता है तो उसको तो बीच में से स्क्वीज नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको इमेजिन करना है कि अपनी पिंकी फिंगर आप अंदर की तरफ ट्विस्ट कर रहे हो। जस्ट इमेजिन दैट, और आपके शॉर्ट हेड पे अच्छा लोड आएगा। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स एक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज जो कि हमारे बाइसेप्स के शॉर्ट हेड के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड होनी चाहिए, एंड अगेन अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे जब इसको ऊपर लेके आएंगे आप, मेक श्योर कि आप नेगेटिव्स भी फॉलो करें। द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, वो कोई भी एक्सरसाइज जिसमें एल्बो है हमारी बॉडी के पीछे रहेगी वो एक्सरसाइज लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी। इसका एक बेस्ट इन प्राइम एग्जाम्पल है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। जैसे मैं यहाँ पर इंक्लाइन बेंच यूज करके डंबल कर्ल्स कर रहा हूँ, मैं अपने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स को टारगेट कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में एक हैक बताता हूँ आपको कि जब भी आप लोग इसको नीचे लेकर जाओगे वहां पर एक सेकेंड का पॉज देना है, एंड देन आपको वापस कर्ल करना है, ठीक है, धीरे धीरे रिलीज करना है, धीरे धीरे नेगेटिव रेप्स करने हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स पर ज्यादा लोड आएगा एंड मसल अच्छे से ग्रो होगी। ब्रैकियालिस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रैकियालिस वो मसल है जो हमारे बाइसेप को एक बिगर और ब्रॉडर लुक देता है, बाइसेप्स के नीचे होता है एंड यूजली लॉन्ग हेड के नीचे होता है जो हमारा ब्रैकियालिस मसल है वो। इसको ट्रेन करने के लिए हम करेंगे हैमर कर्ल्स। अब हैमर कर्ल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आप स्ट्रेट करते हो ऐसे स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ, इसमें क्या होता है कि आप अपनी फोरआर्म्स भी इंक्लूड कर रहे हो, इसमें आप ब्रैकियालिस मसल डेफिनेटली हिट कर रहे हो बट आप फोरआर्म्स भी इन्वॉल्व कर रहे हो, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। बट अगर आपको अपने ब्रैकियालिस कंप्लीटली आइसोलेट करके ट्रेन करने हैं, अलग से स्पेसिफिक जो है ब्रैकियालिस मसल ट्रेन करना है, तो वही हैमर कर्ल्स जब आप अंदर की तरफ कर्ल करते हो तो डायरेक्ट हिट करता है ब्रैकियालिस का। हमारी बॉडी के और मसल से इसको कंपेयर करें तो बाइसेप्स जो है काफी छोटा मसल ग्रुप है, तो हमें इसमें ज्यादा हैवी वेट नहीं करना है, हमेशा ऐसा वेट रहना चाहिए जो कि हम कंफर्टेबली हैंडल कर पाए 12 से 15 रेप तक, और कोशिश रहे कि हम इतना वेट लें कि 12 टू 15 रेप्स में हमारे बाइसेप्स मसल फेल हो जाएं। आप बाइसेप्स पे हैवी वेट लगा लोगे तो उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी उससे फॉर्म खराब होगी और आप जल्दी फेल हो जाओगे। वहीं अगर आपका नॉर्मल वेट हो तो आप पूरा फेलियर टच करोगे और अपने बाइसेप्स को अच्छी तरह एग्जॉस्ट कर दोगे। इसी बात को ध्यान में रखिए, मैं आपको चीट कर्ल्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जब हम फेलियर
रेगुलर टच कर लेंगे, जब हम पूरा एग्जॉस्ट कर लेंगे हमारे मसल्स को वही 12 टू 15 रेप्स और मॉडरेट वेट से, तो क्या करना है, आप चीट रेप भी कर सकते हो, पूरा जोर मार के और थोड़ी चीट करके उसको ऊपर ले आओ एंड देन धीरे धीरे उसको रिलीज करो, ठीक है। इससे आपकी मसल ग्रोथ और भी ज़्यादा बूस्ट होगी। बस ये चीट कर्ल्स को हैवी वेट के लिए यूज़ मत करना, क्योंकि अगेन उससे बहुत ही कम बेनिफिट मिलेगा, हमेशा अपनी फॉर्म स्ट्रिक्ट रखो। शॉक द मसल, जो हमारी बाइसेप्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसके बारे में हमने बात करी, वो हम जब अच्छे से करते हैं तो इसके अलावा मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर हम सुपर सेट या ड्रॉप सेट ऐड करें तो वो और अच्छा होता है। एक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसको लास्ट में करता हूँ, ईजी बार कर्ल्स से आपको क्या करना है, 7x7 की बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है, हाफ रेप करने हैं लोअर हाफ, पहले 7 रेप्स, और जब ये कंप्लीट हो जाए स्लो एंड कंट्रोल्ड, तब वहीं से आपको कंटिन्यूसली ऊपर लेके जाना है एंड देन अपर हाफ करने हैं, 7 रेप्स अपर हाफ स्लो एंड कंट्रोल। जब आप ये कंप्लीट कर लो, 7 रेप कंप्लीट हो जाए आपके अपर हाफ में, तो वहीं से आपको कंटिन्यू करना है, पूरे कंप्लीट रेप्स लगाने हैं 7 to 8 रेप्स, एंड देखना आप इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पंप मिलेगा आपको। अब लास्टली, अगर आप अपनी बाइसेप्स की ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपनी डाइट भी आप अच्छे से करो, हाई प्रोटीन लेनी चाहिए, एंड अगर आपके बाइसेप्स पुराने वर्कआउट से अभी भी सो रहे हैं तो उनको दोबारा ट्रेन मत करो, लेट देम रेस्ट एंड रिकवर। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम हफ्ते में 2-3 बार बाइसेप्स करेंगे तो हमारे ज़्यादा ग्रो होंगे, नहीं, आपको अपने मसल्स को इनफ रेस्ट देना है ताकि आप पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो। तो गाइज, ये वीडियो अगर आप अभी भी देख रहे हो तो आई रियली अप्रिशिएट इट। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया है, मेक श्योर कि आप मुझे वहाँ पर फॉलो करो। अगर ये वीडियो आपको किसी भी हेल्पफुल लगी तो जरूर लाइक कर देना, एंड प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कीप वर्किंग हार्ड।